देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिसमें एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष दिलीप यादव ने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता तो हमारी जीत तो पक्की है, और लेकिन ईवीएम मशीन से चुनाव होने पर शासन और प्रशासन भी कहीं ना कहीं सम्मिलित जरूर होते हैं। जिस पर पत्रकारों ने जिला अध्यक्ष से पूछा कि जो ये आरोप लगा रही हैं, शासन और प्रशासन दोनों ही सम्मिलित होते हैं, तो इस पर हामी भरते हुए कहें कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बैठक में डॉक्टर दिलीप यादव, मनबोध प्रसाद, ओपी यादव, और रणवीर यादव, श्याम बहादुर भारती, पंकज श्रीवास्तव और ध्रुव गुप्ता, चंद्र प्रकाश सिंह विशेन आदि लोग मौजूद रहे। तीस जनवरी को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं, उन लोगों के पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय करुणाकांत मौर्य जी, उनके पक्ष में हम लोग जनसंपर्क करके समर्थन की अपील कर रहे हैं, ताकि बड़ी संख्या में 30 तारीख को स्नातक जो मतदाता हैं वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान करें और विजयी बनाएं। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, उससे हर वर्ग परेशान है, पीड़ित है, शोषित है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, नौजवानों का हो, या शिक्षा को लेकर छात्रों की समस्याएं हो, व्यापारी परेशान है। जीएसटी से भी आप लोगों ने देखा है कि पूरे कस्बों की और शहरों की दुकानें बंद रही हैं।